हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फीकी वाली हरी मिर्ची से एकदम टेस्टी सी रेसिपी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। रोज़ रोज़ वही दाल चावल सब्जी रोटी या फिर नाश्ता खा करके बोर हो गए हैं, तो इस हरी मिर्ची से बनाइए एकदम चटपटा सा रेसिपी जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। जिसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है, इसे धो करके अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसे हम चाकू की मदद से चीरा लगा देंगे। इस रेसिपी से आपके खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा और ये इतनी टेस्टी है, इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट लगती है। इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों को बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी मिर्चियों को कट कर लिया है, अब इन्हें साइड कर देते हैं। अब हम लेंगे 1/4 कप भुना हुआ सेंगदाना, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा करके इसका महीन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब इस सेंगदाने के कूट को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम लेंगे तीखी हुई लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम सेंगदाने के कूट में डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, जिससे कि इस रेसिपी में क्रंचीनेस आएगा। अब इसमें हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। इसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़े से कुटे हुए लहसुन, 4 से 5 कलियों को आप अच्छे से दरदरा सा कूट लीजिए। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें 1/2 नींबू, जिससे कि ये रेसिपी चटपटी भी बने और खाने में स्वादिष्ट भी लगे और मिर्ची का हल्का तीखापन भी कम करे। ये बहुत टेस्टी लगती है, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। देखिए, मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे। हमारा सेंगदाने का कूट अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम कर देते हैं एक साइड में। इसके बाद हम लेंगे मिर्ची जो हमने कट करके रखी है। अब हम एक मिर्ची को लेते हैं और उसके बीच में जहाँ हमने चीरा लगाया था, वहाँ पे सेंगदाने के कूट को हम अच्छे से भर देंगे। सेंगदाने के कूट को हम अच्छे से दबा दबा करके भरेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिर्ची को भर लिया है। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। अब और एक मिर्ची आपको मैं भर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, उसी तरीके से हमें इसे भी भर लेना है। जब कभी सब्जी बनाने का मन ना हो और कुछ अच्छा खाने का मन करे, तो झटपट से इस तरीके से बना लीजिए। इसके साथ आप एक रोटी के बदले 4 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। इसी तरीके से सारे मिर्चियों को मैंने फटाफट से भर के रेडी कर लिया है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल को पैन के चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हमें एक एक करके मिर्ची को इसमें डाल देंगे। मिर्ची को पैन में डालने के बाद हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, जिससे कि मिर्ची जले नहीं। अब इसे ढक करके हम 2-3 मिनट तक पका लेते हैं। 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। उसके बाद देखिए, मिर्ची का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इस तरीके से हम मिर्ची को पलट देंगे। सारी मिर्चियों को हम इसी तरीके से पलटेंगे। ये दिखने में जितना सिंपल है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसे ढक करके हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटा लेंगे। देखिए, हमारी मिर्ची एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, इसको उठाने से ही पता चल रहा है। देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है ये। और एक बात, अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे या फिर मीडियम रखेंगे, तो जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो जल जाएंगे, इसीलिए हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। अब हमारी मिर्ची रेडी हो चुकी है, हम इसे फटाफट से गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं। उसके बाद इसे एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। इस मिर्ची की रेसिपी आपके मुँह का स्वाद बदल देगी, इतना टेस्टी है ये। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस रेसिपी को देखने के लिए धन्यवाद।